हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको मैं वो वाले प्लांट्स बताने वाली हूं जिनकी आप कटिंग लगाकर बहुत तेज़ी से अपने घर में एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। और इसमें कोई आपको मेहनत नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के पास बालकनी छोटी होती है, गमले कम होते हैं और वो प्लांट्स लेना चाहते हैं और किसी कारणवश खरीद नहीं पा रहे हैं, या उनको जो प्लांट्स उनके पसंद के वो लाए हुए हैं उसके वो और गमले बनाना चाहते हैं, लेकिन तो आप इस तरह से आप कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह के पास हैं ये वाले प्लांट्स की, तो आप वहाँ से एक कटिंग लेकर और बड़ी आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं और ये बहुत बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 प्लांट्स बताऊँगी, तो आप उन्हें देख के उसी तरह से आप उन्हें भी ग्रो कर सकते हैं आसानी से। तो फर्स्ट उसमें कैटेगरी में है डफन बेकिया। ये तो मैं इसमें वीडियो भी बना चुकी हूँ। इसके ये स्टेम जो है इसको काट के इतना रिंग लेके आप लगा दीजिए और विद इन 15 डेज उसमें से नया स्प्राउट फूट आएगा, है ना। अगर आपका ये प्लांट ऐसा नीचे से लेगी सा हो रहा है तो आप उसको भी काट के 2-3 पीस करके लगा दीजिए, उससे भी वो प्लांट उसका नया बन जाएगा। इसकी जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो आपको दिखाती हूँ कितनी जल्दी ग्रो हो गई हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स इसकी डफन बेकिया की कटिंग्स। ये 1 महीना पहले लगाई थी और आप देखिए अच्छी इनमें नया स्प्राउट भी आ गया है और ये अच्छी चल रही हैं। दूसरे नंबर पे है स्पाइडर प्लांट। ये तो आप सब जानते होंगे और बड़ा हैप्पी प्लांट है और एयर प्यूरिफाइंग भी है। इसके ये पप्स निकलते रहते हैं, आप इन्हें से भी तोड़ के लगा सकते हैं, ये भी लग जाते हैं और ये नीचे से भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो आप यहाँ से भी देखिए अलग अलग लगे नहीं, तो इनको भी निकाल के आप अलग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये देखिए इसकी मैंने वो लगाई थी, इसमें से बेबी प्लांट निकाल के लगाया था, हो गया करीब हफ्ता हो गया और देखिए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये इसकी टिप भी बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो इस तरह से आप इसे बहुत जल्दी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वायलेट हार्ट। इसमें देखिए पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं और बहुत जल्दी लग जाने वाली ये मतलब वाइन टाइप की है। ऐसे इसके पतली पतली डालियाँ ना लटकती रहती हैं गमले के बाहर, ये देखिए जैसे ऐसे लटक रही है ना, ये बहुत, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप बस यहाँ से इसकी डाली तोड़िए और मिट्टी में पुश कर दीजिए। ये भी सब ऐसे ही लगा के लगाई गई हैं, देखिए बहुत अच्छे चल रहे हैं ये। नंबर 4 पे है ये इसका रियो है बोलते हैं इसको प्लांट को। इसमें 2-3 तरह के आते हैं। ये जो मेरे पास है ये डॉर्फ वाला है और इसमें एक और बड़ा आता है ट्राइस्टार, ये रियो, उसमें वाइट कलर की स्ट्राइप्स पड़ी होती हैं। ये आगे से ग्रीन होते हैं, पीछे से इनकी लाइन ऐसे डार्क पर्पल कलर के होते हैं और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ऐसे लटकते जाते हैं, आप बस यहाँ से इसे तोड़िए और मिट्टी में पुश कर दीजिए। कोई रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और डेकोरेशन वगैरह में ये बहुत अच्छे काम आते हैं। ये तेज़ धूप में भी चल जाते हैं और शेड एरिया में भी चल जाते हैं। नंबर 4 पे हैं कोलियस। ये अपने कलरफुल पत्तियों के कारण बहुत अच्छी रहती हैं। ये देखिए कई कलर में आते हैं, कई शेड्स होते हैं इनमें और बहुत आसानी से लग जाती हैं। इनमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इनकी कटिंग यहाँ से एक डाल तोड़िए आप और आसानी से लग जाएगी, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी भी। ये देखिए कटिंग्स इनकी लगाई हुई थी और सब ये लग गई हैं। ये देखिए ये भी लग गई कटिंग, ये भी लग गई है और ये भी अच्छी लग गई है, ये भी अच्छी लग गई है। बहुत आसानी से लग जाने वाला प्लांट है और ये सेमी शेड एरिया में चलता है, धूप में ये नहीं जलता, जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिले लेकिन धूप इसे ना पटे। नंबर 5 पे आते हैं फर्न्स। ये बहुत सुंदर सुंदर तरह के होते हैं फर्न। ये मेरे पास 2 तरह के हैं और ये नीचे से डिवाइड कर सकते हैं इनको, ये इनको नीचे से ये इनकी ग्रोथ होती जाती है, ये यहाँ से और इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए एक ही मैंने कल ही डिवाइड किया है इसको और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये इसमें लगाया हुआ है और बहुत अच्छे चलते हैं ये सब। ये हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार किया है और ये भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं और ये नमी वाली जगह पे चलते हैं, तो स्पेशली ये बाथरूम्स के लिए तो बहुत ही सूटेबल हैं। अगर आप बाथरूम में ये लगाएंगी तो बहुत अच्छे रहेंगे, वहाँ इन्हें नमी भी बराबर मिलेगी और लाइट भी कम मिलेगी। नंबर 6 पे आता है डेविल्स बैकबोन। ये बहुत सुंदर है, अपनी पत्तियों के शेड्स के कारण बहुत ज़्यादा
मतलब पॉपुलर है ये, और बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी एक डंडी तोड़िए, उसमें से एक सेक्रेशन सा निकलता है, उसको सूख जाने दीजिए। करीब आधे घंटे में भी सूख जाएगा वो। उसके बाद उसे मिट्टी में पुश कर दीजिए, और ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगता, इसको ब्राइट लाइट शेड में पसंद है। मतलब इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, आप पेड़ों के नीचे रखिए या ऐसी जगह जहाँ खुले में तो रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसकी कटिंग काट के लगाई थी उसी प्लांट में से, और ये बहुत अच्छी लग गई है। इसको हो गए 10 डेज़ हो गए करीब लगाए हुए, और ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी शेड में चलेगा, डायरेक्ट उसमें नहीं चलता, तो इसकी ग्रोथ भी स्लो होती है। तो इसको आप कप वगैरह में लगा सकते हैं, मग वगैरह में, ग्लास में, तो बहुत अच्छा चलता है। और नंबर 7 पे है ये अरेलिया, ये भी कटिंग से ही लगाया जाता है। मैंने काफ़ी छोटी कटिंग लेकर आई थी कहीं से 2, और ये एक तो ये लग गया, एक मैंने अपने घर में भी लगा रखा है, और बहुत अच्छी लग जाती है। आप इसकी पत्तियों का कलर देख सकते हैं, ये भी सेमी शेड एरिया में चलता है, डायरेक्ट उसमें नहीं चलता। और नेक्स्ट आता है रैंथिमम, ये इसकी भी बहुत वेराइटी होती हैं और बहुत कलर्स में आता है, लेकिन ये भी सेमी शेड में ही चलता है, और इसकी भी आप कटिंग तोड़ के लगा सकते हैं। ये भी मैंने जो लगा रखा है ये कटिंग से ही लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी लगा के और एक प्लांट के कई प्लांट बहुत आसानी से बना सकते हैं। इन किसी भी प्लांट में हार्मोन, रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9 पे आता है मरांटा या कलाथिया, इसकी बहुत वैरायटी है, और ये कटिंग नहीं, ये नीचे से ही मल्टीप्लाई होता रहता है। प्लांट देखिए आप, नीचे से ही मल्टीप्लाई होता रहता है, तो आप इसको वहाँ से सेपरेट करके और बड़े इजीली लग जाता है। ये भी सेमी शेड में चलने वाला एरिया है, और ज़्यादा धूप इसको, धूप क्या मतलब ज़्यादा नहीं, इसे धूप चाहिए ही नहीं। आप सेमी शेड में रखेंगे तो इसके पत्ते सब अच्छे चलते रहेंगे, और नहीं तो धूप लगती है तो इसके पत्ते किनारे से जलने लगते हैं, और इसको मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है। नंबर 10 पे है शेफलेरा, ये 2 वैरायटी में होता है। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये वेरीगेटेड वैरायटी वाला है, और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ये भी इसकी भी कटिंग ही लगाई थी हमने, और कटिंग से ही चल रहा है। ये देखिए काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी तो, और ये भी सेमी शेड एरिया में ही चलता है। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, अगर आप इसे धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी, और इनके जो कलर्स हैं वो भी फेड हो जाते हैं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स की कटिंग निकाल के, या आप किसी फ्रेंड के यहाँ से लेकर, और अपने प्लांट्स को नंबर उनका बढ़ा सकते हैं, और इनमें किसी में भी रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो मौसम भी बहुत अच्छा है कटिंग लगाने के लिए, बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगी, आपको कोई मेहनत करनी ही नहीं है। बस वो लाइए कटिंग, और उसको 2.5-3 इंच का मिट्टी में पुश कर दीजिए, है ना। कटिंग आपकी वही रहेगी, कम से कम 6-8 इंच लॉन्ग, और 2.5 इंच आप मिट्टी में लगा दीजिए, उसमें नमी बना के रखिए, और 15-20 डेज़ में आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लगेंगे बिल्कुल अच्छे। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आप भी इसी तरह से कटिंग्स लाकर अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।